हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है, धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नजर डालते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों पर। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब देखते हैं यजुर्वेद। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए एक नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है तथा इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। जानते हैं सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है गान और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अथवा मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जानते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अब देखते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद ऐतिरेय व कौशितकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिच्छेद के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु पांचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयिनी संहिता से प्राप्त होती है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जानते हैं वेदांग एवं सूत्रों के बारे में। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रीत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौद्धायन, आपिस्तम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब जान लेते हैं पुराण के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोहमर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण माना गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है तथा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानुकों के साथ वर्णित है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लण के द्वारा किया गया। कल्लण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यूनानी रोमन लेखकों को। इन लेखकों में पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवेत्ता। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिटस तथा अरिस्टोकस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। चौथा है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। पांचवा लेखक है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। छठा है टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। सातवां है प्लिनी। इसने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। आठवां है परप्लस ऑफ द इरियंसी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखकों में सबसे पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरा चीनी यात्री है वेन सोंग। 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीको नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। फेन सोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अरबी लेखकों में पहला है अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्मियाखी यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा अरबी लेखक है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। अन्य लेखकों में
तारानाथ या एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम जानेंगे पुरातत्व संबंधी शास्त्र से मिलने वाली जानकारियों के बारे में। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कार्नियन को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज को यानी कि एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत डोडोरस के वेश नगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूड़ आक्रमण की जानकारी भीदड़ी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य पुराण अभिलेख यानी कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों को। हाथी गुम्फा जो तिथि रहित अभिलेख है, यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ यानी गिरनार यह रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। अहोय लेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के क्रम में समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडू यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्ण द्वीप कम्बोडिया यानी कम्बोज और जावा पौ द्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता था जब मुख्य मंदिर चार सहायक नदियों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।